नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों? मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रहे बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने यूकेजी क्लास में प्रीवियस लेसन में पिछले पार्ट में क्या देखा था आपको याद में है? हाँ बच्चों, हमने आ की मात्रा को चित्रों के साथ देखा था। यस बच्चों, आ की मात्रा में कैसे आएगा बोलिए बच्चों। हाँ, आ की मात्रा में आपको एक लाइन पास में डालना चाहिए। प्रीवियस लेसन में देखा था, आज उसी प्रथा नए पाठ में क्या देखना है? वही आ की मात्रा में दूसरे शब्द और पिक्चर यानी चित्रों को देखेंगे। समझ में आया ना बच्चों? यस, पहले मैं आपको स्वर सिखा देती हूँ। स्वर का मतलब क्या है? वोवल्स। हाँ, हाउ मेनी लेटर्स वोवल्स में बोलिए बच्चों। यस, 13, 13 अक्षर, 13 लेटर्स। ओके बच्चों? यस, अब हम व्यंजन को देखें। यस, व्यंजन कंसोनेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फाबेट लेटर्स। प्लीज लिसन केयरफुली बच्चों। यस, यहाँ पे देखो, हाउ मेनी लेटर्स व्यंजन में? 37 लेटर्स। इसे हिंदी में हम 37 बोलते हैं। ओके, अब हम व्यंजन में सारे लेटर्स को देख दिया बच्चों। अब हम क्या देखने वाले हैं? बार खड़ी में आ की मात्रा को देखने वाले हैं। यस, एक मिनट बच्चों, पहले आ की मात्रा हम कैसे लिखेंगे उसे सिखाती हूँ। आ की मात्रा में आप लोगों को कैसे लिखना है? आप देखो, अच्छा सा सुनो, आ की मात्रा में आ कैसे रहेगा? आपके पास एक लाइन है। ओके, सो तब ये आपके पास में आने वाला लाइन, अंत लाइन पर लिया बोल। यस, प्लस आ चा
सी द मात्रा, इस प्रकार यू हैव टू राइट, ये है आ की मात्रा। आ की मात्रा में कोई डालने की जरूरत नहीं। आ की मात्रा आपने कल कैसे देखा था उसके प्रीवियस लेसन में? हाँ, आ की मात्रा में आपको कैसे डालना है? यस, का बर, क्योंकि मात्रा आ के लिए कोई मात्रा नहीं है, कोई सिंपल नहीं है, सो इसलिए आ की मात्रा में का बर का ना डालना है। यू हैव टू लर्न लाइक दिस, अ सब बस, रा सब रस, यू हैव टू लाइक दिस, का मा ल कमल, प त ग पतह, लाइक दैट यू हैव टू लर्न। सो आ की मात्रा में कोई नहीं, आ की मात्रा में पास में लाइन आने वाला। अब हम चित्रों के साथ देखेंगे कुछ। यस, ओके, ये देखिए, अब आ की मात्रा को हम देखने वाले हैं। सी द पिक्चर्स, ओके, यहाँ पे देखो, व्हाट इज दिस, ये क्या है? सी द बुक, हाँ, ये क्या है? तलवार, स्वॉर्ड, त, सी द, सी लिसन कैरफुली, त, ल, इम्प प्लस आ, वा, सो वा के पास में क्या डालना? एक लाइन डालनी, वा, ये आपकी मात्रा आ गया, रे, तलवार, तलवार इंग्लिश यूज़ करना मांगो सुनोगे? वॉर ले, हाँ, वार में तलवार यूज किया जाता है। त यिल वा ये, त ल वा प्लस आ वा ये, तलवार, ओके, स्वॉर्ड। नेक्स्ट ये क्या है देखो, अनास, पाइनएप्पल इज अ वेरी टेस्टी फ्रूट, हेल्थी फ्रूट है, ये सब लोग इसे जूस डाल के पीते हैं, ऐसे ही खाने से सेहत के लिए बहुत अच्छा है अनानास। एक मिनट, ये देखो अनानास, नाम में हाफ लेटर यिन, नाम में हाफ लेटर ऐसे डाल डालोगे ना पूरा, इसमें ये लाइन नहीं आया तो यिन, अन आना यिन ना, हाँ ये देखो आ गया अनानास, आ इन आ ना इन ना प्लस आ ना, आ इन ना सर अनानास, पाइनएप्पल। नेक्स्ट देखो अनाज, हाँ गेहूं, यस फूड, अनाज इज अ फूड, अनाज इज अ फूड, आ ना ज, आ ना प्लस आ ना ज, अनाज फूड। नेक्स्ट देखो ये क्या है, हाँ सारस, सारस इज अ डक, हाँ स्वैम भी बोला जाता है इसे, स्वैम डक नहीं है, स्वैम, सारस ये पानी में रहता है, बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है, देखो ये क्या करता है, सवा, टक 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 टक, घोड़े में हॉर्स राइडिंग करता है, सा सवा, इसे आप कहते हैं हम सवा, सा वॉक प्लस आ वॉक ले सवा, सा वॉक प्लस आ वॉक ले सवा, ये क्या है, बारात, सी शादी में ये कौन है, मापले बोलते हैं, यस शादी में आते हैं ना बारा, घोड़े में मापले वाला पर गए अलगा, यस इसे हम हिंदी में बारा बोलते हैं, बापले सा बा, रापले सा रा, ता बारा। नेक्स्ट देखो ये क्या है, हाँ आकाश, स्काई, द ब्लू स्काई, द क्लाउड्स आर, देखो कितना व्हाइट में है देखो, यस आकाश, आ का शब्द, आपने आ का प्लस आपका शब्द आकाश, स्काई।
नेक्स्ट वन देखो कारखाना फैक्ट्री फैक्ट्री इस पूरे में आपकी मात्रा है आपने साखा रेड आपने साखा नापने साखा कारखाना फैक्ट्री अंडरस्टैंड यस बच्चों मेरे सारा आपकी मात्रा किस प्रकार आएगा ये पूरा मैंने आपको सिखाया है एक मिनट आपके किताब में जो पिक्चर्स है यू हैव टू सी द बुक एंड लर्न वेरी वेल क्योंकि आपकी किताब में बहुत सारा लिखने के लिए दिया है ये देखो ट्रांसपोर्ट मैंने पिछले भी ट्रांसपोर्ट चलाया था यहाँ पे देखो राइट द नंबर ऑफ व्हील्स इसमें कितने व्हील्स हैं इसमें दो इसमें दो इसमें दो इसमें कितने हैं चार इसमें कितने हैं तीन दो 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 चार यू हैव टू राइट द नंबर्स अंडरस्टैंड यस बच्चों यहाँ पे ये बात आपकी मात्रा आपका यूकेजी क्लास समाप्त हो रहा है कोविड 19 में बाहर मत जाओ पढ़ाई में ध्यान दो धन्यवाद बच्चों